हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है गाइस, आज हम जो कलर करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम 7.11। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये है मैजिरियल कूल कवर का कलर लोरेल का, और इसका जो मिक्सिंग रेशियो गाइस वो है 1:1.5। जैसे कि मैंने आपको हर अपनी एक वीडियो में बता रखा है कि जितना आपका कलर होगा उसका 1.5 गुना आपका डेवलपर होगा। और गाइस, जो कलर हम करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला कलर। इस पर हमने गाइस पहले ब्राउन कलर किया हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। तो वर्जन हेयर पे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो बना रखी, जो ऑलरेडी कलर हेयर है उस पर हम वीडियो बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो गाइस, इस पर हम करने वाले हैं 7.11 कलर। तो गाइस, कलर करने से पहले हम इसको पहले करेंगे प्री लाइटनिंग, क्योंकि प्री लाइटनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसी पे हम डाइट करेंगे तो गाइस वो 7.11 वाला एग्जैक्ट शेड नहीं आएगा। थोड़ा सा जो कलर है वो इसमें ही मेल्ट हो जाएगा, जो पुराना कलर है। प्री लाइटनिंग भी देखेंगे गाइस कि हम प्री लाइटनिंग कितनी लेवल तक करेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना गाइस। और गाइस, जो कलर है मैंने वो पहले से बना के रखा हुआ है। ये मैंने जो ब्लोंडर है गाइस, ये ब्लोंडर है, इसको मैंने 30 वॉल्यूम में बना रखा है। आप रियल हेयर पे कर रहे हो, मतलब जैसे कि आप क्लाइंट पर कर रहे हो, तो आपको देखना है कि हेयर का टेक्सचर क्या है। आपको 40 वॉल्यूम की भी नीड पड़ सकती है अगर क्लाइंट के बाल ज़्यादा थिक है तो, और डिपेंड करता है आप ओपन टेक्निक यूज़ कर रहे हो या फिर फॉइल के साथ यूज़ कर रहे हो। फॉइल के साथ गाइस, आप 30 वॉल्यूम भी लेते हो तो आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि फॉइल से थोड़ी सी जो है हीट जनरेट हो जाती है, आपको वहाँ हेल्प मिल जाती है, वहाँ आपको 1 से 1.5 लेवल लिफ्ट आपको इजीली और एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ओपन टेक्निक में गाइस, आप क्या करते हो 40 भी लेते हो तो थोड़ा सा जो लेवल लिफ्टिंग है स्लो प्रोसेस हो जाता है, और थोड़ा सा जो अच्छा आपका लेवल 5 तक पहुँचना चाहिए, वहाँ आपको 4-4.5 लेवल देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इसलिए आपको थोड़ा सा जब जल्दी प्रोसेस करना है, लिफ्टिंग थोड़ी अच्छी खासी चाहिए, तो आप फॉइल का यूज़ करना ना भूलें। तो गाइस, इसको हम रखने वाले हैं 35 मिनट्स बाद, आफ्टर मैं आपको दिखाता हूँ। आफ्टर 35 मिनट्स बाद गाइस देखिए, ये वाला अंडरकोट जो है आपको अचीव करना होगा जब आप 7 लेवल का कोई भी कलर इस पर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, येलो ऑरेंज है गाइस, इसमें येलो भी है, थोड़ा थोड़ा जो टिंट है उसका ऑरेंज का भी है। तो हमारा 7 नंबर का जो अंडरकोट होता है गाइस, वो होता है हमारा येलो ऑरेंज। तो येलो ऑरेंज का अंडरकोट हमने अचीव कर लिया है गाइस। अब इसके लिए हम कलर बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पे जो दिखाया था, स्टार्टिंग की वीडियो में जो दिखाया था 7.11। और 11 गाइस काफ़ी ज़्यादा हमें कूल, मतलब कूल शेड में लेके जाने वाला है। इसको ओपन कर लेते हैं गाइस, और इसको जो हम डिपॉजिट करने वाले हैं वो करने वाले हैं गाइस 20 वॉल्यूम में। काफ़ी लोगों को मैंने वीडियो में बता रखा होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं और कौन सा वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में गाइस। तो ऐसा लगता है कि या तो वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, या तो वो वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखते। तो गाइस, वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको क्वेश्चन करने की कोई नीड भी नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ 20 वॉल्यूम में ही डिपॉजिट करना चाहिए या फिर 10 वॉल्यूम में, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस 20 वॉल्यूम। और गाइस, इसको कर लेंगे गाइस अच्छे से मिक्स। और मैंने आपको बता रखा है कि कलर मिक्सिंग, कलर जितना अच्छे से आपका मिक्स होगा गाइस, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। कलर मिक्सिंग में थोड़ा सा जो है टाइम लीजिए, अच्छे से कलर को अंदर ही अंदर ब्लेंड कीजिए डेवलपर, और कलर को अच्छे से जितना ब्लेंड करोगे उतना ही कलर में एक स्मूथनेस आएगी। तो गाइस, कलर को अच्छे से ब्लेंड करिए। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको 7.11 को डायरेक्ट देखना है, मतलब कि विथाउट प्री लाइटनिंग और वर्जन हेयर पे डायरेक्ट देखना है कि कैसा कलर इसका आएगा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं क्या करूँगा कि कोई वर्जन हेयर लूँगा डायरेक्ट, उस पर करके आपको लिफ्टिंग करके दिखाऊँगा कि किस तरीके का ये कलर डायरेक्ट आएगा। और प्री लाइटनिंग के ऊपर तो आप इस वीडियो में देख लोगे। तो गाइस, पे हम कर देंगे अच्छे से एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी आपको थोड़ा अच्छे से करनी है, और इसको दूसरी तरफ से भी पलट के हम इसको लगाने वाले कलर को। ये देखिए कि पीछे जो है गाइस रह जाता है, और फिर वो अलग से ही दिखेगा। तो रियल हेयर में भी आपको देखा होगा कि मोटे सेक्शन में नीचे से जो है कलर अच्छे से लग नहीं पाता। तो हमेशा रियल हेयर पर भी जब आप करो क्लाइंट पर, तो सेक्शन
ना मैं फाइन बोलूँगा ना मीडियम, आप जितने आपकी कैपेसिटी है कि आप इस सेक्शन पे प्रॉपर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं आप उतना ही सेक्शन लीजिए, ज़्यादा फाइन भी मत लीजिए ताकि आपको ज़्यादा टाइम लगे। इस कलर को हमने प्रॉपर अच्छे से लगा दिया है, आफ्टर 30 मिनट बाद मैं आपको ये रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा भी रखा है गाइस, ताकि कलर का है जो शेड है थोड़ा सा स्मूथ बना रहे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आया गाइस। ये देख सकते हैं आप 7.11 का कलर, और ये कलर आपको गाइस कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और जो कलर आया है पहले जो गाइस ब्राउन था, और ये थोड़ा एस ब्राउन में गया है, इसमें कहीं ना कहीं आपको एस की रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगी जो कि डार्क किस एस में जा रहा है। ये नहीं कि आप सिल्वर एस वाला सोचोगे, क्योंकि इसकी डेप्थ 7 है, ये लाइटेस्ट एस में नहीं जाएगा, 7 है, और उसके साथ एस फैमिली के कूल कलर ऐड कर रखे हैं 0.11, तो ये जो आपके ब्राउन कलर को एस में ले जा रहा है यानी कि कूल फैमिली में ले जा रहा है। ये प्रॉपर तरीके से कूल ब्राउन कलर है, और ये कलर आपको कैसा लगा गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।